नमस्कार, हेल्दी ईटिंग चैनल में आपका स्वागत। आज हम लोग कुछ मसल्स बिल्डिंग फूड के ऊपर बात करेंगे। हमने आपको काफ़ी सारे डाइट के बारे में बता चुके हैं, तो हेल्दी ईटिंग आप खाओगे तो धीरे धीरे आप फैट लूज करोगे। फैट लूज करोगे तो साथ साथ में आपको मसल्स भी डेवलप करना पड़ेगा, अच्छे मसल्स। ठीक है, तो उसीलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं मसल्स बिल्डिंग फूड। मसल्स बिल्डिंग फूड में सबसे पहले हम लोग नॉनवेज फूड के ऊपर बात करेंगे। नॉनवेज फूड में जो मसल्स बिल्डिंग फूड है, नंबर वन में है अंडा, एग। एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है और काफ़ी सस्ता मिलता है, और एग के अंदर 9 टाइप का अमीनो एसिड्स भी मिल जाते हैं। और अंडे में बस एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको एग वाइट खाना है, एग योक नहीं खाना है। हाँ, आपको एग वो खाना ही खाना है तो दिन में एक या दो खा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है फिश। फिश में, ऑलमोस्ट सारे फिश में आपको प्रोटीन मिल जाता है और कैल्शियम मिल जाता है काफ़ी मात्रा में। और एक फिश है ट्यूना फिश। ट्यूना फिश में आपको ये सब मिलने के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में क्या रहता है कि आपका जो बॉडी है उस बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट को वो मेंटेन करता है। ठीक है, और आपका जो ऑलरेडी फैट जमा हुआ है शरीर में उसको वो लूज करने के हेल्प करता है, और आपको हार्ट को मजबूत करता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ट्यूना फिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप खा सकते हो। अभी थर्ड नंबर में है चिकन। चिकन में हमेशा ध्यान रखो, आप स्किनलेस चिकन खाइए। स्किनलेस चिकन में प्योर प्रोटीन रहता है, फैट की मात्रा कम रहता है। और इसके सिवा आप चिकन का जो ब्रेस्ट पीस है वो खाइए, उसमें बेहतरीन प्रोटीन रहता है और फैट बिल्कुल ना के बराबर रहता है। तो तीन चीज़ बताया मैंने आपको, अंडा बताया, स्किनलेस चिकन बताया, मच्छी बताया। ये आपका हो गया नॉनवेज में मसल्स बिल्डिंग फूड। अभी मैं जाता हूँ वेज की तरफ। वेज में नंबर वन पे है मिल्क। मिल्क में आपको दोनों प्रकार के प्रोटीन, कैसीन और व्हे, दोनों प्रोटीन उसमें मिल जाते हैं। और उसके अंदर एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं आपको, और उसके अंदर ग्लूटामाइन मिल जाते हैं, ओमेगा 3 मिल जाते हैं, फैट मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट ए कंप्लीट फूड है मिल्क। बस ध्यान रखना है कि मिल्क आपका फैट कंटेंट कम होना चाहिए, क्योंकि मिल्क में ऑलरेडी फैट का मात्रा ज़्यादा होता है, जिसका साइड इफेक्ट में हम मोटा हो सकते हैं। तो आपको लो फैट मिल्क लेना है। ठीक है, इसके सिवा स्पिनच लीजिए। स्पिनच में जो बॉडी बिल्डिंग में जो मसल्स टिश्यू टूट जाते हैं उसको रिकवरी करने के लिए ग्लूटामाइन और अमीनो दोनों का बहुत ही ज़रूरत है। तो ये चीज़ नेचुरल तरीके से स्पिनच में हमको मिल जाता है, पालक के अंदर। ठीक है, साथ साथ में आप एप्पल लीजिए। एप्पल क्या करता है, आपके जो मसल्स है उसको स्ट्रांग करता है, तो आपको स्टेमिना पावर मिलता है वर्कआउट करने के लिए। तो एप्पल इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ योगर्ट, दही लीजिए आप। दही में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी रहता है। आजकल के मार्केट में ग्रीक, GREE की ग्रीक दही मिल रही है, ग्रीक योगर्ट मिल रही है, उसमें नॉर्मल दही से 3 से 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन रहता है, जो काफ़ी हेल्पफुल है मसल्स डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप कॉटेज चीज़, जिसको हम लोग पनीर बोलते हैं, उसमें कैसिन प्रोटीन का मात्रा काफ़ी रहता है, और वो काफ़ी एक हेल्पफुल आइटम है, अपने मील में इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें थोड़ा फैट की मात्रा रहता है लेकिन गुड सोर्स है प्रोटीन के लिए, ये कॉटेज चीज़। अभी ये सारे प्रोटीन के आइटम बताया, साथ में मैं कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ओट मील से, ब्राउन राइस है, चपाती है, ये सारी चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो आपके डाइट में फॉर ए बेटर मसल्स डेवलपमेंट। ओट मील में प्रोटीन रहता है, साथ साथ में काफ़ी मात्रा में फाइबर रहता है, जो कि आपका अनहेल्दी फैट है उसको निकालने के लिए हेल्प करता है, और आप काफ़ी टाइम आपको भूख लगने नहीं देता है ओट मील। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का मात्रा काफ़ी रखिए, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आपको काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं, फाइबर मिल जाते हैं, और सारे प्रकार की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो मिल जाते हैं। तो फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत ही ज़रूरी है अच्छे मसल्स डेवलप करने के लिए, तो आप इंक्लूड करिए। और हेल्दी फैट्स थोड़ा इंक्लूड रखिए, हेल्दी फैट्स ज़रूरी है, फैट के बिना आप अच्छे मसल्स डेवलप नहीं कर पाओगे। जैसे हेल्दी फैट्स क्या होता है, जो नेचुरल सोर्स है, जो प्लांट बेस्ड फैट, जैसे कि आप सूरजमुखी के तेल,
या तो कोई भी प्लांट, सिंग का तेल, ये सारे प्लांट बेस्ड है। जो प्लांट से हमको मिल जाता है वो ऑयल आप यूज़ करिए लिमिट में, वो काफ़ी ज़रूरत है। उसके साथ आप सोयाबीन खाइए, सोयाबीन का बड़ी आता है, सोयाबीन का दाल आता है, दोनों इंक्लूड करिए खाने में। ब्रोकली लीजिए, सलाद में डालिए। गुआवा, गुआवा खाइए, उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। ग्रीन पीस मटर वो लीजिए, बीन्स लीजिए, फिर लेंटाइल्स, ऑलमोस्ट सारे प्रकार के दाल आप खा सकते हो। थोड़ा बहुत केसर नट खाइए, उससे प्रोटीन मिल जाता है। पीनट बटर मिल जाता है मार्केट में रेडीमेड, उसमें काफ़ी मात्रा में गुड फैट और प्रोटीन दोनों मिल जाता है। फिर पम्पकिन सीड्स, वो भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो। और आपको बस ध्यान देना है प्रोसेस फूड से थोड़ा दूर रहना है। और जो नॉनवेज सेक्शन में मैंने रेड मीट, जो मटन पोर्क बीफ के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि उसमें हम लोग को कॉलन कैंसर और हार्ट अटैक, डायबिटीज़ का साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उसको मैं रिक्वेस्ट करेगा, उसको आप लोग अलग ही रखिए, उसको आप इंक्लूड मत करिए हेल्दी ईटिंग में। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो खाना पीना है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों मिल जाना चाहिए, साथ साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाना चाहिए। तो आपका एक बैलेंस डाइट हो, साथ में आपको माइल्ड एक्सरसाइज करना है या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना है जिसमें आपके मसल्स सब ट्रेन होंगे, और साथ में आप प्रोटीन रिच फूड खाओगे तो आप एक अच्छे मसल्स डेवलप कर पाओगे। आपका उम्र कुछ भी रहने दीजिए, आप भले 40 का हो, 50 का हो, 55 का हो, एज फैक्टर नहीं करता है। अच्छे मसल्स आप कभी भी डेवलप कर सकते हैं और आप उसमें हेल्दी रह पाओगे और एक गुड लुकिंग फिजिक बना सकते हो और अपने आप को यंग महसूस करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो फूड के बारे में बताया मैं, हेल्दी ईटिंग के बारे में बताया, ये मसल्स बिल्डिंग फूड के बारे में बताया, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सारे स्टार जो अमीर है, सलमान है, इनके एज ऑलमोस्ट 50 के ऊपर हो गया है, लेकिन आज भी वो लोग अच्छे मसल्स बनाते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे मेंटेन करिए अपने आप को, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रिक्ट डाइट में रखना है और एक्सरसाइज करना है, नॉर्मल एक्सरसाइज या वॉकिंग करना है या जॉगिंग करना है, फिट रखना है और सुंदर दिखना है। तो वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। और आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। थैंक यू।